हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द लामेंट, रिटन बाय एंटन चेखव। एंटन चेखव एक रसियन राइटर हैं, यानी कि रूस को बिलोंग करते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि जो है, सेटिंग, वो भी रूस में रखी गई है। यह कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जो आज के इस आर्थिक रूप से संपन्न होते समाज में किस प्रकार मानवीय संवेदनाओं, सहानुभूति, जज्बातों का ह्रास हो रहा है का वर्णन करती है। मीन्स कि आज का जो हमारा समाज है, वो उन्होंने, राइटर ने दिखाने की कोशिश की है कि आर्थिक रूप से तो बहुत प्रगति कर रहा है, लोग बहुत अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन किसी के भी पास एक दूसरे की भावनाओं को समझने का वक्त नहीं है। कोई किसी को नहीं समझना चाहता है। इस कहानी का नायक एक कोचवान इयोना नाम का व्यक्ति है। कोचवान मीन्स कोचवान होता है जो गाड़ी चलाता है, उसका नाम इयोना है। उसका बेटा मर चुका है और वह योना किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिससे अपना वह दुख कह सके, अपना दुख बांट सके, उसको बता सके कि वह कितनी पीड़ा में है। लेकिन क्या उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसके इस दुख को बांट सके, उसके साथ में वह अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर सके? तो ये सब जानने के लिए हम पढ़ेंगे हमारी आज की कहानी द लामेंट, यानी कि दुख। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। इट इज़ ट्विलाइट। अ थिक वेट स्नो इज स्लोली ट्विडलिंग अराउंड द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैम्प्स एंड लाइंग इन सॉफ्ट थिन लेयर्स ऑन रूफ्स, ऑन हॉर्सेस बैक्स, ऑन पीपल शोल्डर्स एंड हेड्स। क्या है, अभी इन तीन लाइनों में राइटर ने उस समय का जो एटमॉस्फियर कैसा है रूस में, जहाँ पर वो ये सेटिंग रखी है उन्होंने स्टोरी की, उसका वर्णन किया है कि इट इज़ ट्विलाइट, यानी कि शाम का समय है, धुंधलापन छाया हुआ, यानी कि ना बहुत रोशनी है ना रात है, और जो रोशनी हो रही है सड़क पर, जो लाइट जो जल रही है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पर सिर्फ क्या है, एक बर्फ़ की मतलब पतली सी जो लेयर है, सॉफ्ट बर्फ़ गिर रही है रेगुलर, तो वो पूरी चारों तरफ वो बर्फ़ फैलती जा रही है और सब जगह, फिर वो रूफ्स यानी कि घरों की छतों पर, हॉर्सेस बैक्स जो वहाँ पर घोड़े खड़े हुए हैं, घोड़े गाड़ी और भी खड़ी हुई है, वो भी खड़ा हुआ है वहाँ पर, उन सब की पीठ पर, लोगों के कंधों पर, उनकी कैप्स पर, टोपियों पर, सब जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। द कैब ड्राइवर आयोना पेटापोव इज क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक अ फैंटम। ही इज़ बेंट डबल एज फार एज अ ह्यूमन बॉडी कैन बेंट डबल। ही इज़ सीटेड ऑन हिज बॉक्स, ही नेवर मेक्स अ मूव। और अभी हमारा जो कहानी का लीड कैरेक्टर है आयोना पेटापोव, उसका वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसा दिख रहा है। वो वहाँ पर जो कैब ड्राइवर है, वो यानी कि गाड़ी चलाने वाला है, वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ है अपनी सवारी के इंतज़ार में, तो वो भी एकदम, उसके लिए राइटर बोल रहा है वो एकदम वाइट दिख रहा है। वाइट कैसे दिख रहा है कि उसके ऊपर भी पूरा, उसके सर पे, उसके पूरे कपड़ों पर सब जगह बर्फ़ पड़ी हुई है, और एक ऐसा लग रहा है जैसे वो वाइट फैंटम, यानी कि कोई एक शैतान राक्षस जैसा वहाँ पे दिख रहा है, और बिल्कुल उसने अपनी जो बॉडी को ना मोड़ रखा है, डबल कर रखा है, जैसा नॉर्मली होता है कि लोग सर्दी की वजह से एकदम से बेंट होकर बैठ जाते हैं, तो और उसने इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को मोड़ा हुआ है जितना कि एक जो ह्यूमन बॉडी है, मानव का शरीर जो है वो मोड़ सकता है। वह अपनी बॉक्स पर, यानी कि जहाँ पर उसको बैठने की जगह है उसकी गाड़ी में, वहाँ पे वो बैठा हुआ है और वो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है वहाँ से, बिल्कुल शांति से एक ही जगह पे बैठा हुआ है। इफ़ अ होल स्नो ड्रिफ्ट फेल ऑन हिम, इट सीम्स एज इफ ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू शेक इट ऑफ। और वो जिस तरीके से शांति से बिल्कुल बैठा हुआ है, तो राइटर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अगर खूब सारा स्नो ड्रिफ्ट, यानी कि एक साथ बहुत सारी बर्फ़ भी उसके ऊपर गिर जाए, वो पूरा ढक जाए, तो भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि वो है, ये ऐसा सोचेगा कि मुझे हिलकर इस बर्फ़ को गिरा देना चाहिए। इट सीम्स एज इफ ही वुड नो सॉरी हिज लिटिल हॉर्स इज ऑल्सो क्वाइट वाइट एंड रिमेन्स मोशनलेस। इट्स इमोबिलिटी, इट्स एंगुलैरिटी एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स इवन क्लोज बाई गिविन इट द अपियरेंस ऑफ जिंजर ब्रेड हॉर्स वर्थ अ कॉपेक। अब उसके घोड़े के बारे में बताया जा रहा है कि उसका घोड़ा कैसा लग रहा है। तो उसका छोटा सा घोड़ा है, वो भी बिल्कुल वाइट दिख रहा है, उसके ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है,
और रिमेन्स मोशनलेस, वो भी बिल्कुल गतिहीन अवस्था, यानी कि बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ है, बिल्कुल मोबिलिटी नहीं है उसमें, मतलब गति नहीं कर रहा है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है। और दूर से देखने में कैसे लग रहा है, बहुत ही स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स, उसकी जो पैर हैं बिल्कुल सीधे एकदम करके वो खड़ा हुआ है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी के पैर हों उसका, और बिल्कुल दुबला पतला सा है, और ऐसे लग रहा है जैसे वो एक जिंजर ब्रेड, यानी कि इतना छोटा सा मरियल पतला दुबला सा है कि वो जिंजर ब्रेड जैसा दिख रहा है। और वर्थ अ कॉपिक, कॉपिक एक मुद्रा होती है जिसका बहुत ही कम मूल्य होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि इसका कोई वैल्यू क्या है, एक पैसे की वैल्यू नहीं, उस तरीके से यहाँ पर वो भाव है कि वो सिर्फ कुछ कॉपिक, कुछ कॉइन्स का वर्थ का है वो घोड़ा। इट इज़ नो डाउट प्लंग्ड इन डीप थॉट इफ़ यू वर स्नेच्ड फ्रॉम द प्लो फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग्स एंड वर थ्रोन इन टू द स्लोफुल ऑफ मॉन्स्टर्स लाइट्स अनसीजिंग नॉइज एंड हरिंग पीपल, यू टू वुड फाइंड इट डिफिकल्ट नॉट टू थिंक। अब उसके बारे में बताया जा रहा है जो एओना है कि वो क्या कर रहा है, कि वो एक उसमें बहुत ही सोच में बैठा हुआ है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अगर आपको आपका जो यूजुअल ग्रे मतलब सराउंडिंग्स, आप जो अपनी उसमें विचारों में खोए हुए हो, वहाँ से आपको एकदम से अचानक से खींच कर एक ऐसे स्लो मिस होता है दलदल में पटक दिया जाए, जहाँ पर आपका बहुत ही वो मॉन्स्ट्रस लाइट्स, यानी कि लाइट्स जल रही हैं बहुत सारी, अनसीजिंग यानी कि अनवरत चलने वाला, यानी कि बिना रुकने वाला नॉइज़, यानी कि शोरगुल है, हरिंग पीपल, जहाँ पर लोग बड़ी हड़बड़ी में आ जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसी जगह पर आपको कुछ भी सोचना मुश्किल हो जाएगा, आप कुछ सोच नहीं पाओगे। अयोना एंड हिज लिटिल हॉर्स हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, दे लेफ्ट देयर यार्ड बिफोर डिनर एंड अप टू नाउ नॉट अ फेयर। यानी कि अभी बताया जा रहा है कि इओना और उसका जो छोटा घोड़ा है, उन्होंने बहुत देर से वो अपनी एक थोड़ा सा भी अपनी जगह से जहाँ पर वो खड़े हुए हिले नहीं थे, और उन्होंने अपना यार्ड यानी कि जहाँ पर वो रहते थे वो बाड़ा, उसको डिनर से पहले यानी कि खाने के समय से पहले छोड़ दिया था, और अभी तक उनको कोई भी सवारी नहीं मिली थी। इस बात से यहाँ पे दो चीज़ें और हमें पता चलती हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीब हैं, खाना भी नहीं खाया हुआ है, भूखे हैं, और अभी तक इन्होंने अपने खाने के लिए कुछ अर्न भी नहीं कर पाया क्योंकि इनको कोई सवारी नहीं मिली है। द इवनिंग मिस्ट इज डिस्केंडिंग ओवर द टाउन, द वाइट लाइट्स ऑफ द लैम्प्स आर रिप्लेसिंग ब्राइटर रेज, एंड द हबब ऑफ द स्ट्रीट इज गेटिंग लाउडर, कैबी फॉर बी वोर्ग वे सडनली हियर्स अयोना कैबी। और क्या हुआ कि जो इवनिंग शाम का जो मिस्ट है, यानी कि जो धुंधलापन छाया हुआ था, वो धीरे धीरे शाम वाला जो अंधकार था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और लाइट सब चूंकि शाम का वो ख़त्म हो रही है और रात बढ़ रही है, तो लाइट्स जल रही हैं, लाइट जलना शुरू हो गई, तो वो अंधकार कम हो रहा है, चारों तरफ वो जो सफ़ेद रोशनी लाइट्स की है, स्ट्रीट लाइट्स की, वो फैल रही है। और उसी बीच में जो और जो हब्बब यानी कि जो वहाँ पर का जो स्ट्रीट का शोरगुल है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसी के बीच में जो अयोना है वो आवाज़ सुनता है कैबी यानी कि वो गाड़ी वाले बीवोर्ग वे कि बीवोर्ग चलोगे क्या, ऐसा उसने अचानक से अयोना ने आवाज़ सुनी कि कैबी। अयोना जंप्स एंड थ्रू हिज स्नो कवर्ड आई लेसेस सीज एन ऑफिसर इन अ ग्रेट कोट विद हिज हुड ओवर हिज हेड। अयोना जो था उसने जैसे ही आवाज़ सुनी कि वो गाड़ी वाले, तो जैसा कि पहले बताया गया कि उनको अभी तो कोई फेयर नहीं मिला था, उन्होंने कुछ भी कमाया नहीं था, तो जैसे ही आवाज़ सुनता है कि कोई सवारी आई है बीवोर्ग जाने के लिए, वो एकदम से अचानक से उठ के खड़ा हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे जंप करके वो खड़ा हुआ, और उसकी जो आई लैसेज यानी कि जो आंखों की बिन्नियाँ होती हैं उन पर भी उसके बर्फ़ जमी हुई थी, उससे उसने देखा धीरे से कि एक ऑफिसर सामने खड़ा हुआ है जो कि कोट पहने हुई है, और उसका जो हुड है यानी कि जो कोट में कैप लगा हुआ था वो उसका उसके सर पे था। वी बोर्ग वे, द ऑफिसर रिपीटेड, आर यू असलीप ई वी बोर्ग वे। अब जैसा कि होता है वो बेचारा सोच रहा था, कुछ अचानक से उठता है देखता है तो इधर ऑफिसर अपनी बात को रिपीट करता है कि बीवोर्ग मतलब मुझे बीवोर्ग जाना है, क्या तुम सो रहे।
क्या तुम सो रहे हो? विद अ नोड ऑफ एसेंट अयुना पिक्स अप द रेन्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लेयर्स ऑफ स्नो स्लिप ऑफ द हॉर्सेज बैक एंड नेक द ऑफिसर सीट्स हिमसेल्फ इन द स्ले द कैब ड्राइवर स्मैक्स हिज लिप्स एंड इनकरेजेस हिज हॉर्स स्ट्रेचेस आउट हिज नेक लाइक अ स्वान सिट्स अप एंड मोर फ्रॉम हैबिट देन नेसेसिटी ब्रांडिशेस हिज व्हिप द लिटिल हॉर्स ऑल्सो स्ट्रेचेस हिज नेक बेंड्स इट्स वुडन लुकिंग लेग्स एंड मेक्स अ मूव अनडिसाइडेडली। और फिर क्या होता है कि जो अयोना है वो उठ जाता है और उसकी जो घोड़े की लगाम होती है उसको खींचता है, जिसकी वजह से जो घोड़े की पीठ पर और गर्दन पर जो बर्फ़ पड़ी हुई थी, जमी हुई थी, वो उससे गिर जाती है। फिर उसका वो जो ऑफिसर होता है, उसका पैसेंजर, वो जाकर उस स्ले में बैठ जाता है। स्ले का मतलब होता है जो बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी होती है उसको स्ले बोलते हैं। और जो कैब ड्राइवर यानी कि जो अयोना है वो अपना उठता है, अपने घोड़े को इनकरेज करता है कि चलो चलो करके जैसे बोलते हैं वो गाड़ी वाले, और अपना जो लगा वो होता है उसका चाबुक होता है उसको ऐसे हवा में घुमाता है आदत के फलस्वरूप, जैसे उसकी आदत होती है, और उसका वो और अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता है जैसे एक स्वान की तरह से और बैठ जाता है। और उसका जो घोड़ा होता है वो भी अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता है, अपने जो लकड़ी जैसे दिखने वाले पैरों को मोड़ता है थोड़ा सा, और बिल्कुल अनडिसाइडेडली ऐसी बेखबरी से चलना शुरू कर देता है। वट आर यू डूइंग वेयर वुल्फ इट इज द एक्सक्लेमेशन अयोना हियर्स फ्रॉम द डार्क मास मूविंग टू एंड फ्रो एज सून एज दे हैव स्टार्टेड। और जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं तो अब अंधेरा हो रहा है और बहुत सारी जो भीड़ है, रस है, उस रस भीड़ से वो एक आवाज़ उसको सुनाई देती है अयोना की, कि वो सामने से कोई बोलता है कि अरे वेयर वुल्फ, वेयर वुल्फ होता है कि वुल्फ, वैसे मतलब यहाँ पर उसको एक अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किया गया अयोना के लिए। वो सामने से बोलता है कि क्या कर रहे हो, देख के नहीं चल रहे हो, और देख के चलो कैसे चल रहे हो, वेयर द डेविल आर यू गोइंग टू द राइट। और वो बोलता है कि डेविल किधर जा रहे हो तुम, देखो सही चलो, राइट में चलो, यानी कि जो अपना दाहिना है उसकी तरफ चलो। यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, कीप टू द राइट कॉल्स द ऑफिसर एंगरली। और जो ऑफिसर होता है वो कहता है, गुस्से में बोलता है कि क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है, अपने साइड में चलो। ए कोचमैन फ्रॉम अ प्राइवेट कैरिज स्वियर्स एट हिम, ए पासर बाई हु हैज़ रन अक्रॉस द रोड एंड रब्ड हिज शोल्डर्स अगेंस्ट द हॉर्सेस नोज लुक्स एट हिम फ्यूरियसली एज ही स्वीप्स द स्नो फ्रॉम हिज स्लीव्स। अयोना शिफ्ट्स अबाउट ऑन हिज सीट्स एज इफ ही वर ऑन द नीडल्स, मूव्स हिज एल्बोज एज इट ही वर ट्राइंग टू कीप हिज इक्विलिब्रियम एंड गैप्स अबाउट लाइक समवन सफोकेटिंग हु डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एंड वेयरफॉर ही इज देयर। क्या होता है कि अभी और एक कोचमैन वहाँ से मतलब जो जा रहा होता है वो उसको सीवियर सैटिम उस पर मतलब उसको अब्यूज़ करता है, चिल्लाता है, और एक और वहाँ से व्यक्ति पासर बाई यानी कि पैदल जा रहा होता है बंदा, रोड को क्रॉस करता है दौड़ के, और वो संयोग बस उसके जो घोड़ा होता है उसकी नोज से आगे से वो थोड़ा सा रगड़ जाता है, और फिर वो आगे उसको बढ़कर अपने कंधे से बर्फ़ को हटाता हुआ उसको घूरता है कस के अयोना को। तो फिर क्या होता है कि अयोना क्या करता है, अपना जो हो सकता है वो साइड में बैठा हो तो बीच में अपनी सीट पर बीच में बैठ जाता है, और इतना वो रेस्टलेस लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ना वो सुई नीडल्स के ऊपर मतलब बैठा हुआ, यानी कि रेस्टलेस था, वो सही से नहीं बैठ पा रहा था, कहीं इधर हो रहा था इधर हो रहा था, अपनी कोहनियों से वो अपने आप को बीच में करने का, सेंटर में करने की कोशिश कर रहा था, और बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे ना कोई व्यक्ति बहुत ही सफोकेटिंग यानी कि जिसको बहुत दिक्कत हो रही हो, इस तरीके का लग रहा था, और जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। वॉट स्काउंडल्स दे ऑल आर, जोक्स द ऑफिसर, वन वुड थिंक दे हैड ऑल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू जॉसल यू और फॉल अंडर योर हॉर्स। तभी जो उसकी गाड़ी पे ऑफिसर बैठा हुआ है वो थोड़ा सा माहौल को लाइट करने के लिए बोलता है, जोक करता है, एक कहता है कि ऐसे लग रहा है कि आज सारे ना जितने जो यहाँ पे चल रहे हैं ना वो सब कसम खा के आए हैं, मतलब एग्रीमेंट करके आए हैं कि वो तुमसे टकराएंगे या तुम्हारे घोड़े के नीचे आ जाएंगे। अयोना लुक्स अराउंड एट द ऑफिसर एंड मूव्स हिज लिप्स,
ही एविडेंटली वॉन्ट्स टू से समथिंग बट द ओनली साउंड दैट इशूज इन अ स्नफल। क्या हुआ कि अब जो अयोना है वो उसकी तरफ, अपना जो ऑफिसर उसके पीछे बैठा हुआ है उसकी तरफ देखता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से जो एकमात्र आवाज़ जो निकलती है वो होती है उसकी, वो जो जुखाम की उसकी आवाज़ होती है, स्नफल्स भी होता है जो जुखाम हो जाता है तो वो आवाज़ जो आती है सांस सांस लेने में, बस वही आती है। देन वॉट आज द ऑफिसर अयोना ट्विस्ट हिज माउथ इन टू अ स्माइल एंड विथ एन एफर्ट सीज हॉर्सली माई सन बैरन डाइड दिस वीक। तभी जो ऑफिसर होता है वो समझ जाता है कि कुछ कहना चाह रहा है, तो उसे पूछता है वॉट, कि क्या मतलब कुछ कहना चाहते हो? तो फिर वो बड़ी भर्राई हुई आवाज़ में अयोना उसको बोलता है कि मेरा बेटा बैरन इस सप्ताह मर गया। हम वॉट डिड ही डाई ऑफ? अब वो उस ऑफिसर पूछता है हाँ कैसे मर गया? अयोना टर्न्स विद हिज होल बॉडी टुवर्ड्स हिज फियर एंड सीज एंड हु नोज दे से हाई फीवर, ही वॉज 3 डेज इन द हॉस्पिटल एंड देन डाइड, गॉड्स विल बी डन। अब अयोना क्या करता है कि उसको लगता है हाँ ये ऑफिसर मेरे से बात कर रहा है, तो पूरा उसकी तरफ टर्न हो जाता है, फिर बोलता है कि क्या बताऊँ कौन जानता है, वो कहते वो यानी कि डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको बहुत तेज बुखार था, वो 3 दिन हॉस्पिटल में रहा और फिर मर गया, जैसी ईश्वर की इच्छा यानी कि जैसा ईश्वर ने चाहा वो हुआ। टर्न राउंड द डेविल साउंड्स फ्रॉम द डार्कनेस, हैव यू पॉप्ड ऑफ ओल्ड डॉगी ई यूज़ योर आइज। तभी क्या हुआ कि अब ये उससे बात करने के लिए ऑफिसर से पूरा उसकी तरफ घूम गया था, तो सामने नहीं देख रहा था, तो सामने से कोई निकला और उसने उसको फिर से उसको अब्यूज़ करते चिल्लाते हुए कहा कि डेबिल क्या कर रहे हो, सामने देखो तुम्हें दिखाई नहीं देता, कि तुम्हारी आंखें नहीं है, ओल्ड डॉगी यानी कि उसको गालियाँ दे रहा है कि अपनी आंखों का प्रयोग करो। गो ऑन से इज़ द ऑफिसर, अदरवाइज वी शैल नॉट गेट देयर बाय टुमारो, हरी अप अ बिट। तभी उस जो उसके पीछे जो ऑफिसर बैठा हुआ है उसकी गाड़ी पे वो बोलता है गो ऑन चलते रहो अदरवाइज़ क्या होगा कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे सुबह तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा जल्दी करो। द कैब ड्राइवर अगेन स्ट्रेचेस हिज नेक, सिट्स अप एंड विद अ बैड ग्रेस ब्रांडिशेस हिज वेप सेवरल टाइम्स। अगेन ही टर्न टू लुक एट हिज फियर बट द लेटर हैज़ क्लोज्ड हिज आइज एंड अपेरेंटली इट इज़ नॉट डिस्पोज टू लिसन। अब क्या हुआ कि वो जो कैब ड्राइवर था थोड़ा सा फिर उसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, सही से बैठा, फिर उसने अपना जो चाबुक था उसको घुमाया और फिर कई बार पोजीशन लेने के बाद उसने पीछे मुड़ मुड़ के देखा, उससे फिर से बात करना चाहता था, अपनी बात उसको बताना चाहता था, लेकिन जो उसका पैसेंजर था वो ऑफिसर उसने अपनी आँखें बंद कर ली थी और ऐसा लग रहा था, ऐसा समझ में आ रहा था कि वो अब और ज़्यादा उसकी बात को नहीं सुनना चाहता है। Having deposited the officer in the V-War, he stops by the tavern, doubles himself up on his seat and again remains motionless while the snow once more begins to cover him and his horse and R and another. Then along the footpath with a squeak of galoshes and quarreling come 3 young men, two of them tall and lanky, the third one short and humpbacked. क्या हुआ फिर वो जाके जो हाँ ऑफिसर को वीवो में जाना था उसको वहाँ ड्रॉप कर देता है और फिर आकर वो फिर से उसको ड्रॉप करने के बाद वहीं बाहर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है और दोबारा से वो मोशनलेस दोनों हो जाते हैं, घोड़ा और उसका जो मालिक है योना, और फिर उसे उनके ऊपर बर्फ़ पड़ने लगती है, उनको बर्फ़ ढकने लगती है और वहाँ पर बैठे बैठे उनको 1 घंटा फिर और थोड़ा ज़्यादा समय बीत जाता है। उसके बाद में वहाँ पर फुटपाथ यानी कि जो रास्ता होता है पैदल चलने वाला, वहाँ से वो देखते हैं कि 3 बंदे जो रबड़ के उन्होंने जूते पहने होते हैं तो उनसे आवाज़ आ रही होती है ची 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 ची, वो आवाज़ करते हुए आपस में लड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जिनमें से 2 जो होते हैं वो टॉल एंड लैंकी, टॉल का मतलब होता है लंबा और लैंकी मीन्स जो बहुत दुबला पतला इंसान हो, तो 2 तो लंबे और दुबले पतले से थे और 1 उनमें से छोटा था यानी कि जिसकी लंबाई कम थी और उसको कूबड़ निकला हुआ था। कैबी टू द पुलिस ब्रिज इन अ क्रैक्ड वॉइस कॉल्स द Humpback the three of us for 2 grievings. क्या हुआ कि अभी उन तीनों ने आके उसमें से जो हम्पबैक था जो जिसके कुबड़ निकला हुआ था कुबड़ा व्यक्ति जो उसने आके उसे अयोना से पूछा कि कैबी गाड़ी वाले क्या पुलिस ब्रिज तक चलोगे आप, और हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए हम आपको 2 grievances ही देंगे। अब grievances जो होते हैं वो भी मुद्राएं हैं,
Iona picks up his reins and smacks his lips. Two grivniks is not a fair price, but he does not mind whether it is a ruble or 5 copecks. To him, it is all the same now. अभी क्या हुआ कि जो अयोना था वो चलने के लिए तैयार हो गया. उसने अपनी रेंस यानी कि घोड़े की जो लगाम थी उसको खींची दोबारा से. लेकिन जो ये ऑफर कर रहे थे 3 लोगों के लिए 2 ग्रीवेनिक्स जो वो दे रहे थे वो एक सही किराया नहीं था वो दूरी के लिए जहाँ पर वो जाना चाहते थे. लेकिन अयोना था, उसने मना नहीं किया. उसके लिए अभी ये सब मैटर नहीं कर रहा था कि कौन क्या दे रहा है किराया, एक रूबल दे रहा है या 5 कॉपिक दे रहा है. उसके लिए सब इस समय बराबर था, एज लॉन्ग एज दे आर फेयर्स. बस उसको क्या था कि उसको सवारी मिलनी चाहिए थी. द यंग मैन जॉसलिंग ईच अदर एंड यूजिंग बैड लैंग्वेज अप्रोच द स्ले एंड ऑल थ्री एट वंस ट्राई टू गेट ऑन टू द सीट. देन बिगिन्स अ डिस्कशन एज टू विच टू सेल सीट एंड हु सेल बी वन टू स्टैंड. आफ्टर रैंकलिंग अब्यूजिंग ईच अदर एंड मच पेटुलेंस इट इज एट लास्ट डिसाइडेड दैट द हमबैक सेल स्टैंड एज ही इज द स्मॉलेस्ट. अभी क्या हुआ कि अब वो जो स्ले थी उसमें से बैठने के लिए 2 लोगों के लिए जगह थी जो उसकी गाड़ी थी, और ये 3 थे तो ये एक साथ एकदम से चढ़े कि कौन उस पर 2 बैठ जाएगा. तो उसके लिए भी उनमें आपस में धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा होने लग गया, एक दूसरे को गालियाँ देने लग गए. और फिर उनमें एक लंबा डिस्कशन हुआ कि कौन 2 बैठेंगे और कौन एक खड़ा रहेगा. और फिर उस लंबे डिस्कशन के बाद में लास्ट में ये तय हुआ कि जो व्यक्ति, वो जो कुबड़ा व्यक्ति है ना, वो छोटा है थोड़ा, तो इसलिए वो खड़ा रहेगा, उसकी लंबाई कम है, और बाकी की जो 2 टॉल एंड लेंकी पर्सन है वो लोग बैठेंगे. नाउ देन हरी अप सेज द हम्बैक इन अ ट्वेंगिंग वॉइस एज ही टेक्स हिज प्लेस एंड ब्रीथ्स इन अयोनास नेक. ओल्ड फुरी हियर मेट व्हाट अ कैप यू हैव, देयर इज नॉट अ वर्स देन वर्स वन टू बी फाउंड इन ऑल पीटर्स वर्क. क्या हुआ, अभी वो जो कुबड़ा व्यक्ति है वो उसको बोलता है कि अभी पीछे खड़ा हुआ है उसके, तो सांस लेता है तो बिल्कुल उसकी गर्दन में उसकी सांस की जो गर्म हवा होती है वो उसको गर्दन पे महसूस होती है. योना को पीछे से चिल्लाता है कि जल्दी करो बूढ़े आदमी, नहीं तो तुम इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहे हो. और फिर वो उसको जो कैप लगाई होती है योना ने, उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि क्या कैप तुमने लगाई हुई है, इससे ज़्यादा बुरी कैप तो पूरे पीटर्सबर्ग में नहीं मिलेगी. ही गिगल्स अयोना सच. अब अयोना क्या कहे उसकी बात पे, तो वो हंस देता है, कहता है हाँ हाँ सही है. नाउ यू सच हरी अप, आर यू गोइंग द होल वे एट दिस पेस, आर यू, डू यू वॉन्ट इट इन द नेक. अब वो जो कुबड़ा व्यक्ति है वो कह रहा है अयोना से कि जल्दी चलो जल्दी चलो, क्या तुम पूरे रास्ते ऐसे ही चलने वाले हो, और क्या तुम अपनी गर्दन पे, मतलब ये चाहते हो, यानी कि वो जैसे गाड़ी वाला जब गाड़ी चलाता है तो वो चाबुक घोड़े पे मारता है, तो वही सेंस यहाँ पे वो दे रहा है जो कुबड़ा व्यक्ति है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्दन पे भी पड़े कि या तुम ऐसे ही चलने वाले हो. माई हेड फील्स लाइक बस्टिंग सीज वन टू द लैंकी वंस लास्ट नाइट एट डोंकमासोव वास्का आई एंड आई ड्रैंक द होल ऑफ 4 बॉटल्स ऑफ कॉग्नेक. तभी वो जो 2 पीछे बैठे हुए हैं टॉल एंड लैंकी पर्सन जो पीछे हैं, उनमें से एक बोलता है कि मेरा सर जो है ना बिल्कुल फटा जा रहा है दर्द से, और क्योंकि कल रात को मैंने डोंकमासोव में मैंने क्या किया, और वास्का ने बहुत ज़्यादा पूरा, मतलब 4 बॉटल थी कॉग्नेक की वो पी ली थी. आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू लाइव फॉर सेज द अदर लैंकी वन एंगरली, आर यू यू लाई लाइक अ ब्रूट. अब जो दूसरा व्यक्ति है ना उसके साथ में वो बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आता कि तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, किस लिए झूठ बोल रहे हो. वो गुस्से में ऐसे बोलता है, गॉड स्ट्राइक मी इट इज़ द ट्रुथ. अभी वो पहले वाला बोलता है कि अरे भगवान मुझे पनिश करे, सजा दे कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ. इट इज़ एज मच द ट्रुथ एज दैट अलाउज कॉफ. अब वो क्या कहता है कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल वैसे ही सच है जैसे ना मतलब लाउस कॉफ यानी कि कोई कीड़े को खांसी आ जाए, इतना सच है तुम्हारी बातें तो. ही ग्रिन्स अयोना, व्हाट गे यंग जेंटलमैन, पैसवार टू गो टू द डेविल सेज द हम्बैक इंडिग्नेंटली, आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट यू ओल्ड पीस्ट, इट इज दैट द वे टू ड्राइव, यूज द व्हिप ऑफ वेट, गो ऑन डेविल, गो ऑन, गिव इट हिम वेल. अभी क्या होता है कि वो उनकी बातें सुन के ना
वो थोड़ा सा यूना जो है वो हंसने लगता है, तो जो हम्पबैक है वो फिर से उसको चिल्लाता है, गाली देता है कि अरे वो पेस्ट जो वर्ड यूज़ किया है कि कीड़े, नाली के कीड़े को पेस्ट बोलते हैं, कि कीड़े जल्दी चलो, क्या तुम ऐसे ही ड्राइव करने वाले हो, तुम अपने घोड़े पर चाबुक का प्रयोग क्यों नहीं करते हो, करो और जल्दी चलो। अयुना फील्स एट हिज बैक द लिटिल मैन रिंगलिंग एंड द ट्रेम्बल इन हिज वॉइस, ही लिसन्स टू द इंसल्ट हर्ल्ड एट हिम, सीज द पीपल एंड लिटिल बाई लिटिल द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस लीव्स हिम, द हम्प बैक गोज ऑन शिवरिंग अंटिल ही गेट मिक्सड अप इन सम एलेबोरेट 6 फुट ओट और चोक्स विद कफिंग। द लैंकीज बिगिन टू टॉक अबाउट अ सर्टेन नदेजा पेट्रोवना, आयोना लुक्स राउंड देम सेवरल टाइम्स, ही वेट्स फॉर अ टेम्पररी साइलेंस, देन टर्निंग अराउंड अगेन ही मर्मर्स। तभी क्या हुआ कि वो जो हम्पबैक व्यक्ति है वो क्या है कि वो महसूस करता है कि उसकी बैक पर, वो पीछे से पीठ पे थोड़ा थोड़ा सा हाथ भी मार रहा है धीरे धीरे से, और उसको बोल रहा है कि जल्दी चलो गालियाँ देता जा रहा है। तो ये सारी जो इंसल्ट्स थी वो इंसल्ट कर रहा था बराबर उसकी अयोना की, लेकिन वो बेचारा सब कुछ सुन रहा था, क्या करता, वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ सुन रहा था, उसका उसकी जो इंसल्ट कर रहा था जो कुबड़ा व्यक्ति, उसका कोई असर नहीं हो रहा था, और वह उसके लिए बस इतना काफ़ी था कि वो अकेला नहीं था, उसका जो वो अकेलेपन वाली जो भावना थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, और जो हम्पबैक था वो कुबड़ा, वो लगातार उसको गालियाँ दिए ही जा रहा था, उसकी इंसल्ट किए जा रहा था, वो तब तक बोलता रहा जब तक कि वो उसकी आवाज़ थी जो वो उसको खांसी आने लग गई और गला चोक हो गया। अभी जो फिर वो जो पीछे जो दोनों लैंकीज बैठे हुए थे दुबले पतले से लड़के, वो एक नादेजदा पेजोवेना नाम की, जो पेट्रोवेना नाम की एक लड़की थी, उसके बारे में बात करने लगे। फिर इसी बीच में आयोना ने कई बार पीछे मुड़ मुड़ कर उनको देखा कि वो लोग चुप हों, तो फिर वो उनसे बात करना चाहता था, वो भी कुछ बात करे। फिर वो धीरे से बोलता है जब मौका देखता है, माई सन डाइड दिस वीक, मेरा बेटा इस सप्ताह मर गया। वी मस्ट ऑल डाई, साइड द हम्पबैक वाइपिंग हिज लिप्स आफ्टर एन अटैक ऑफ कॉफिंग। नाउ हरी अप जेंटलमैन, आई रियली कैन नॉट गो एनी फर्दर लाइक दिस, वेन विल वी गेट अस देयर। तो अब जो हम्पबैक है कुबड़ा व्यक्ति, वो कहता है हाँ एक दिन हम सभी को मरना है, और अपना वो मुंह पोंछते हुए जो उसको कॉफ अटैक आया था, बार खांसी आई थी उससे का, इसके लिए पोंछते हुए बोलता है कि ठीक है अब जल्दी जल्दी करो, मैं मतलब इस तरीके से नहीं जा सकता, ऐसे चलोगे तो हम लोग कब तक पहुँचेंगे। वेल जस्ट यू स्टिमुलेट हिम अ लिटिल इन द नेक, यू ओल्ड पेस्ट, डू यू हियर, आई विल बर्न योर नेक फॉर यू इफ यू वन ट्रीटेड द लाइक ऑफ यू विद सेरेमनी, वन वुड हैव गो ऑन फूट, यू डू यू हियर ओल्ड सरपेंट गॉर्निच, और डू यू नॉट केयर अ स्पिट। अब क्या करता है कि वो उसको फिर से वही कहता है कि क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको गर्दन से पकड़ के मारूं, क्या करूं, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों नहीं चल रहे हो, क्या तुम ऐसे ही चलने वाले हो, या मैं जो कह रहा हूं उसका तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसे उसके ऊपर चिल्लाता है। अयोना हियर्स रेदर देन फील्स द ब्लो दे डील हिम। अब क्या फिर से वही अयोना जो है उनकी बातें सुन तो रहा है लेकिन महसूस नहीं कर रहा है, ही लाव्स, दे आर गे यंग जेंटलमैन, गॉड ब्लेस देम। वो कहता है कि ठीक है ये तो नौजवान लड़के हैं, ईश्वर इनकी रक्षा करे। कह बी आर यू मैरिड, आस्क द लैंकी वन। अब उनमें से एक जो पीछे दो लड़के बैठे हुए उनमें से एक पूछता है कि गाड़ी वाले क्या तुम मैरिड हो। आई ही गे यंग जेंटलमैन, नाउ आई हैव ओनली अ वाइफ एंड द मोस्ट ग्राउंड ही हो, दैट इज़ टू से द ग्रेव, माई सन हैज़ डाइड एंड आई एम अलाइव, अ वंडरफुल थिंग, डेथ मिसटुक द डोर, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी इट वेंट टू माई सन। अभी वो कहता है कि अच्छा मैं वो हंसता है थोड़ा सा कि अरे यंग मैन मैं, हाँ अब हम दो ही तो बचे हैं, मैं और मेरी मतलब मेरी वाइफ है, और एक मॉइस्ट ग्राउंड, मॉइस्ट ग्राउंड से यहाँ पे मतलब है ग्रेव का, यानी कि अब तो हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, वही देख रहे हैं, सब कुछ देख चुके हैं,
एक बेटा था जो कि मर गया और मैं जिंदा हूँ। देखो कैसी चीज़ है, जो डेथ थी ना वो गलत दरवाजे पर चली गई, यानी कि मुझे मरना चाहिए था और मेरा बेटा मर गया। मेरी जगह आने के बजाय वो मुझे ले जाने के बजाय वो मेरे बेटे को ले गई। फिर से उसने यहाँ पर उन लोगों को अपने उस दुख के बारे में कि उसका बेटा मर चुका है उसके बारे में बात करना शुरू कर दी। तो स्टूडेंट्स ये कहानी थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी हम इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। थैंक यू।